एजे, मैं तुम्हें नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी। आप यो बात इसने कैसे कह सको? आकर्ष हमारे घर में रह सके, खाना के लिए इसने बाहर जाना पड़ेगा। अब तक जो तू करती आई से ठीक से, अब आगे क्या करना है वो ज्यादा जरूरी से। रोशनी और उस छोरे के बीच जो भी आंख में चोली चल रही से उसकी खबर चाहिए मंडी। और अगर वहां नील भी पहुंच गया तो सिर्फ दोनों नहीं, उन तीनों की हर एक हरकत की खबर चाहिए, समझी? बेटा, तू तो किसी काम से बाहर गया था। हाँ मैं गया तो बाहर ही था मैं, पर मन ने ऐसे क्यों लगे जैसे यहाँ पे ताल से ताल मिला कंपटीशन के पार्टिसिपेंट आई से, और उसे मैंने रोशनी के कॉलेज में भी देखा कई बार। चोरी? कौन सी चोरी? अरे अम्मा वो आकर्ष के प्रोग्राम में भी नाचे। ना ना, यहाँ कोई चोरी ना आई। इमरती, तन्ने किसी चोरी ने देखा क्या? अच्छा देख छोरे, मैंने कई दिनों से थारे से एक बात करनी थी। क्यों नौटंकी को लेकर तू कुछ ज्यादा ही परेशान रहे वैसे, और उस चक्कर में यो नौटंकी थारे दिमाग पे हावी हो रही से। देख बेटा, कोई भी चीज या किसी भी इंसान ने इतनी अहमियत देना अच्छी बात ना से। एक काम कर, थोड़ी ठंड रख, फिर देखना कितनी शांति मिलेगी तन्ने। ओके है भाई जी, इसे अपनी वफादारी का इनाम समझ ले, या फिर ये समझ ले कि तू कुछ दिन अब करनाल से बाहर आऊगा, उसका खर्चा पानी है यो, समझा? आज तने दिल जीत लिया जीते, शाबाश। भाई जी, अब आप भी मने पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो, पर एक बात समझनी है भाई जी, जब दारजी ने मने माफ कर दिया तो करनाल से बाहर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि सिर्फ दारजी ने तेरे को माफ किया है। नीले के सर पर अब भी खून सवार है, और हाँ उसकी फितरत मैं अच्छे से जानूं, इतने जल्दी वो हार नहीं मानने वाला, अपना दिमाग चलाता ही रहूंगा, और मैं नहीं चाहता कि उतना आसपास देख कर अपना फालतू का दिमाग चला, उसका शक और बढ़े। और हाँ, अपने घर वालों की चिंता ना करियो, तेरा भाई उनका अच्छा सा ख्याल रखे। धन्यवाद भाई जी, आपका दिल सच्ची में बहुत बड़ा। अरे बावड़ा है के। और हाँ, जैसे नील का गुस्सा शांत हुआ तनम आपसे आने की खबर भी मिल जाओगी। अब जा। ठीक है भाई जी, चलता हूँ। ध्यान से जाइयो। जी भाई जी। रोशनी जल्दी कर यार, फिर तेरी वजह से लेट हो जाएगा। रोशनी तेरे साथ ना जाने वाली है आज ट्विंकल। क्यों? क्योंकि अब मैं आ गई, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें गाइड भी करूंगी। हेलो नील, कैसे हो? प्रणाम ताई जी। नील, अब तुम रोशनी की चिंता करना छोड़ दो, अब उसे ट्विंकल के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? After all, मैं और तुम दोनों ही एक तरफ है।
और ताई जी मैं तो रोशनी की तरफ हूँ। God knows, ये नील को रोशनी में पता नहीं क्या दिखता है। नील इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छे घर का है, पता नहीं उस चुहिया को कैसे पसंद कर लिया। और नील को तो छोड़ो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी फैमिली ने उसे कैसे पसंद कर लिया। आप भी ना मामा, कुछ भी बोलते हो, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। कम ऑन ट्विंकल, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक चलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैंने देखा उन दोनों को साथ में, वो दोनों ना एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप्स लगते हैं, यू नो जैसे किस्मत ने दोनों को मिलाया हो। उनकी किस्मत की छोड़ो और अपनी किस्मत की सोचो। चलो। हाउ कैन यू डू दिस, मैं हॉस्पिटल आया था फाइल्स लेने और अब थी नहीं। आई एम सॉरी सर, आज एडमिन ने अचानक मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगा दी और मुझे सच में नहीं पता था, और मुझे अगर पता होता तो मैं आपको बता देती। अब एक काम कीजिए, आपका लंच टाइम पे आ जाइए, मैं आपको आपकी फाइल दे दूंगी। ठीक है, मैं कल आऊंगा। लकली आज सब परफेक्टली सेट था, रेवा भी जल्दी निकल गई थी, मैं फाइल्स लेकर उसे मिलने जा सकता था, बट अब कल तक ही वेट करना होगा। बैजू कहाँ जा रहे हो? वो मैं रेवा जी को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? तो ऐसे सड़क पर नहीं मिलेगी, रिहर्सल हॉल गई, तो मैं भी वहीं चला जाता हूँ। तुम रेवा जी को मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो ये नई शर्ट पहनी थी ना, तो उन्हें दिखानी है। अच्छा, तो मेरे पे जचरी ना जचरी वही बताएंगे ना। अरे वो डब्बा देना था उन्हें। डब्बा क्यों, क्या इस डब्बे में? ये केले का हलवा। केले का हलवा, और ये सिर्फ रेवा जी के लिए? मैं तो सबके लिए लाया था। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? यो शर्ट जचरी। बहुत अच्छी लगी, डोंट वरी। यो शर्ट तो फट गई। ये नानी सही कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड वाले सारे चोरी होते हैं। क्या खाक हलवा देने जाऊं? इतनी मुश्किल से अम्मा से छुपते छुपाते रोशनी ने हलवा बनाया था, अब लगे मन नहीं खाना पड़ेगा, और रोशनी ने बनाया है तो हलवा तो अच्छा हो गई। सही कह रहे हो, रोशनी से अच्छा कोई नहीं बना सकता। वैसे नील की किस्मत कितनी अच्छी है ना, एकदम बेस्ट है। चलो मैं निकलता हूं। अपना हाथ आगे कीजिए। नील की किस्मत कितनी अच्छी है ना, एकदम बेस्ट है। रोशनी, नील तुझे किसी ने बताया नहीं ऐसे किसी के कमरे में नहीं आते? तू ट्विंकल के साथ क्यों नहीं गई? तने चोट लगी है इसलिए ना? नहीं वो तने तो सच में चोट लगी है। नहीं नील मैं ठीक हूँ। कल जब मैं पूछ रहा था अस्पताल में तने कुछ हुआ है ना, तब क्यों नहीं बोली कुछ? दिखा जरा पलट। नील पलट जरा। कितनी बार पूछा था मैनेजर से कल, मगर तब तो मुंह पे ताला लगा के बैठी थी ना, देख कितनी लगी है। नील नील तू जाए यहां से, देख मैं वो लेप लगा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे लगा लेगी, तड़के भगवान ने चार रखे दे रखे जो तड़े पीछे का भी दिखे।
रुक, रीता को बोल देता हूँ। नील सुन, मैंने घर में इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है, और तू दीदा को बोल देगा तो बेवजह परेशान होंगी। मैंने कहा ना, मैं लेप लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ ना। नील नहीं। के नील नहीं, दिमाग खराब मत कर, मैं लगा देता हूँ। नील मैं लेप लगा लूंगी, तू जा। देख रही हूँ यह छोरी के रंग ढंग आजकल ठीक नहीं है, या के तेवर सातवें आसमान पे है। या तो ये चाय मांगी थी, वह भी इसने अभी तक ना दी। कर रहे थे नील, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्या कर रहे थे पहले भी? तो पहले भी तो क्या नील, मेरा मतलब है जो कुछ भी अभी हुआ था वो सब गलत था। तेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब मैं गलत कर रहा हूँ? कह दिया चुड़ैल ने, पूछू कर दिया तूने इब है? नील से क्या कह दिया तूने जो वो इतने गुस्से में गया है? वो बुआ जी, हाँ वो कारखाने में कुछ परेशानी आ गई है, बस उसी की वजह से गुस्सा होके चला गया बिना बात करे। कारखाने में परेशानी हो गई थी है? चाय की ना बना के लाई? चाय में बस अभी बना लाती हूँ। चाय अभी बना लाती हूँ मेमुनी, तो बहुत है।
मानना होगा रेवा जी, आपने एक रात में इस हॉल को ऐसा सजा दिया है कि कौन कहेगा कल इस हॉल के बाहर आग लगी थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है बिट्टू। वैसे अनजान शहर में ये सब एक ही रात में मैनेज करना इंप्रेसिव। वेल, कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। रियली? तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से क्या पाना है? मुझे? एक्चुअली मुझे क्या पाना है, सारे काम हम खुद के लिए थोड़ी ना करते हैं, कुछ काम हम फ्रेंड्स के लिए करते हैं, और मैं जानती हूँ ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे गुड में रहने के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है तुम करनाल में इस शो के लिए नहीं, किसी और मकसद से आए, और तुम्हारे इस मकसद को जानने के लिए मुझे तुम्हारे यकीन को जीतना होगा। अजय सर, चलिए आज की रिहर्सल स्टार्ट करें। वेल, एक्चुअली मैं आज आपकी रिहर्सल नहीं लूंगा। बिट्टू। यस सर। वैसे मुझे नहीं लगा था कि कल के इंसिडेंट के बाद कोई भी आएगा। आते कैसे नहीं सर, 3 लाख रुपए कौन नहीं जीतना चाहेगा, ऊपर से अब नील, अज्जू और उनके गुंडों का भी कोई डर नहीं रहा ना। ट्रू। सॉरी सॉरी गाइस, आज मुझे फिर से लेट हो गया, सॉरी। नो प्रॉब्लम। रोशनी अब तक अंदर क्यों नहीं आई? हाय आंटी। एजे, आज से ट्विंकल के साथ रोशनी नहीं, मैं आऊंगी। इसी बहाने तुम्हें अपने टाइप की कंपनी भी मिल जाएगी, है ना? या श्योर आंटी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर रोशनी नहीं आई तो मैं मालकिन को के कहानी सुनाऊंगी। Guys, बस अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इसके बाद होगा बिग सिलेक्शन राउंड। अजय सर, चलिए आज की रिहर्सल स्टार्ट करें। वेल, एक्चुअली मैं आज आपकी रिहर्सल नहीं लूंगा। सर, अगर आप नहीं करोगे तो हम सब क्या करेंगे? नील जी के गानों पे तो वैसे हम सबकी बैंड बढ़ जाएगी। रिलैक्स, मैं नहीं लूंगा इसका ये मतलब नहीं है कि रिहर्सल नहीं होंगे। आज आपकी रिहर्सल्स कोई और लेगा। कौन करेगा सर? आज आपकी रिहर्सल्स ट्विंकल करेगी। वाओ। मैं? डोंट वरी, आई एम श्योर तुम अच्छे से लीड करोगे। वैसे रोशनी नहीं आई? रोशनी नहीं आई, क्यों? नहीं, वो क्या है, मॉम को क्यों परेशान करना था, सिंपली अनकंफर्टेबल होंगी। सो आई नो, मैंने भी मॉम को वही कहा, लेकिन मॉम को कौन समझाए। और एनीवेज, आज से ना मॉम ही रिहर्सल पे आएगी। सर, कौन सा रूटीन? या वो वाला, अप एंड साइड। या अप एंड साइड, ठीक है ना? अच्छे से करवाना। गाइस, आई विल बी बैक, ट्विंकल लीड करेगी। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। ट्विंकल, एजी क्या कह रहा था, तुम्हारी तारीफ कर रहा था? नो मामा, वो पूछ रहा था कि रोशनी क्यों नहीं आई। अच्छा, आप अभी बैठो और मुझे रिहर्सल लेने दो, ठीक है? बैग उठा के डांस करने का तो तैयार रह रहे तुम, मुझे लगे घर का काम भी भूल गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं माँ की तरह नचनिया बनने जा रही हो?
कर रहे थे नील, ये ठीक नहीं है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब मैं गलत कर रहा हूँ? नील, मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही नहीं तूने भी महसूस किया था, और जो कुछ भी हुआ वो बचपन के दोस्तों के बीच नहीं था। सारी चीजें रास्ते में पड़ी रहती है, कुछ जगह ना सामान रखने के लिए। और चौधराइन जी, हिसाब पूरो। कर देखो उस चोरी की, समझती क्या पड़े आपने? ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो इतना गुस्सा कर रही थी? कुछ किया थोड़ी था मैंने। नील, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब मुझे ही तुझे रोकना पड़ेगा। सब मेरी गलती है, मैंने ही सर पे चढ़ा रखा इसको। बाकी मर्दों की तरह बर्ताव करने पे आ गया ना तो बोलती बंद हो जाएगी मैडम की। रोशनी, एक काम भी ढंग से ना कर सके तू। अरे बहुत पहले कही थी तेरे से चाय बनाने की, वह भी ना बनी अभी तक। अरे ये क्या है, दूध भी घेर दिया। बढ़िया है, बैग उठा के डांस करने का तो तैयार रह गए तुम। मुझे लगे घर का काम भी भूल गई है। नहीं ऐसा तो नहीं, माँ की तरह नचनिया बनने जा रही हो? जिद्दे फाड़ के क्या देख रही है, है? सही कह रही हूँ, यही हाल रहा ना तो तेरा ब्याह वहां ना होने का, समझी? जीजी खाती ना साड़ी खरीदी है, पीसे दे दो। हाँ कितने पैसे हो गए भाई? 25,000। क्या हुआ भाई जी, आप परेशान लग रहे हैं? एजे के रेंट के पैसे खत्म हो गए क्या? अरे और मांग लीजिए, वो तो बिना पूछे दे देगा। After all, he is Akash Singh. सर ये रिकॉर्ड्स सारे सालों के हैं। हाँ। मिल गया।